أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عند الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم Ya Hayyul Ya Qayyum Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. ला लाई ला मोहम्मद रसोल ला लाई ला मोहम्मद रसोल ला ला मोहम्मद जी तमाम दोस्त अहबाब मेरे प्यारे मेरे मेरे बहन सिलसिला और गैर सिलसिला से मुसलिक मेरे दोस्त अहबाब मेरे तमाम कराम साथी दोस्त अहबाब शागिर उस्ताद सबको असलकुम हाँ मैं इस टाइम चूंकि खासा दूर हूँ यहाँ से पाकिस्तान से इस वक्त तुर्की में हूँ तो मेरे दोस्तों ने ये इसका तरीका निकाला बराक बाहौल के दोस्तों ने कि इतने अरसे के लिए गैर हाजरी से थोड़ा सा तश्नगी मेरी भी पूरी नहीं हो रही उनकी भी पूरी नहीं हो रही तो फिर वो थोड़े से जो जहरा हम तो माहौल वाले लोग हैं तो माहौल के अंदर थोड़ा खलल पड़े तो तबीयत तो में एक थोड़ी ही रहती है तो मेरे बहुत सारे दोस्तों की की ख्वाहिश थी उनकी फरमाइश थी कि कोई ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए तो मेरे दोस्तों ने मुझसे मुझे हुक्म किया कि ये हम तरतीब कर रमजान में जैसे दो साल पहले किया तो मैं इस टाइम पे ये वक्त निकाल सकता हूँ अफ्तार से लेके इशा तक के दरमियान का वक्त है हमारे पास तो मैंने कहा ठीक है मैं हम इस टाइम पे गुफ्तु कर लिया करेंगे उस टाइम में ये है कि आप लोगों का तरबी भी अमूमन ख़त्म हो चुकी होती है तो इन शाला आप जो पहले हम जो है इसको रिकॉब्लिट कर रहे थे हम तो प्रोग्राम करते थे लाइज जूम पे और उसके बाद हम इसको अपने पेजेस पे डाल देते थे यूट्यूब में हकीम मुदसर फहीम के नाम पे यूट्यूब का चैनल है उस पर डाल देते थे और फेसबुक पे मुराक पहल का जो पेज जो जिस पर आप देख रहे हैं फिर हम इस पर डालते थे फिर ये मसाइल भी आ रहे थे कुछ लोग बर राहत सवाल करना चाहते हैं कुछ गुफ्तगु करना चाहते हैं अपनी कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो उनको मेरे दोस्तों ने अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने कहा कि अब हम लाइव जाएंगे जूम मीटिंग को बकायदा था परचेज किया गया और उसके बाद इसको लाइव के हिसाब से जोड़ दिया अब देखते हैं क्या इसके रिजल्ट आते हैं क्या नथाइज आते हैं मैं टेक्निकल बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए भी, भी। ज़रा चूंकि इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहता तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा इसका वजह से नहीं पता कि आप तक ये कैसा पहुँच रहा होगा कमी बेशी हो तो माजरत मेरी तरफ से मेरी टीम की तरफ से आपके भाई हैं आपके दोस्त हैं ये बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए ताकि आप और मैं अल्लाह से जो जुड़ने की कोशिश करते हैं रहते हैं अल्लाह का कुर् पाने की जो जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको आसानी हो इन खिदमात के बाद अल्लाह पाक इनको भी अजर था फरमाए और इनकी जो भी ख्वाहिशात हैं दिली ख्वाहिहशात अल्लाह तबारक उनको पूरा करे तो मैं यहाँ पे बस इसमें कोई ऐसा हमारा सिलसिला नहीं होता उमन उमून ये है कि चूंकि मैं रूहानी एक सिलसिले का तलबिल हूँ जो कुछ मुझे आता है वो रूहानी सिलसिले के हमारे पीर मुर्शद हज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की तवस्त से आता है तो उस दायरे में रहते हुए उससे मुतलका जो सवाल जवाब या कुछ बातें लोगों दोस्तों के जहन में होती हैं रूहानी अमूर के हवाले से वो पूछते हैं तो उस दायरे में रहते हुए जितना पता है उसके पर मैं अपना वजाहत के साथ उसको मैं बयान करता हूँ इसके अलावा मुझे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पता फ़नी तौर पे मैं तिब तबीब हूँ तिब के शोबे से वाबस्ता हूँ तिब के हवाले से जितना मुझे आता है मैं वो खिदमत भी दे, दे देता हूँ और उतना ही जानता हूँ जितना एक अच्छा तबीब को जानना चाहिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी अमदर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद इससे ज़्यादा कोई मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ इसी तरीके से रूहानी अमूर के हवाले से चूँकि मुझे कुछ जिम्मेदारियाँ कुछ दोस्तों के ऊपर हैं उनका बड़ा भाई बनाया गया जिसको निगरान कहते हैं हमारे तो उस हवाले से कोई कमी बेशी हो कोई टेक्निकल चीज़ें हो जो ज़ाहिर बाकी मरकज से होना का मुमकिन नहीं होता या मुश उनका काम नहीं है वो हमारा ही काम है तो उसके लिए मैं हर वक्त हाजिर रहता हूँ उससे मुतल जो भी गुफ्तु होती है वो हम पेश करते हैं वही आपने सुनी तो सिलसिला जीमिया की तवस से हर साल एक खसूस प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ अल्लाह का की तजली के दीदार का प्रोग शब कदर में अल्लाह ताली की तजली कह दीदार कीजिए ये इसका नाम है उसका एक कॉम्फ्लेट बनाया गया था कुछ। तीस साल पहले तकरीबन हम उस टाइम भी करते थे और बीच में भी करते थे बीच में नहीं भी किया ज़रूरी नहीं है कि आप करें करें तो उस हवाले से अमूमन हर रमज़ान में हमें सबसे ज़्यादा जो दोस्त हमारे इसको करना शुरू करते हैं हमेशा ऐसा होता है कि उन्हीं को बहुत सारी चीज़ें मालूम के लिए जानने की कोशिश होती है तो मुझे फर्दन फर्दन वैसे भी बयान करना पड़ता था या मेरे दोस्तों को बयान करना पड़ता था कुछ बरह रास्त मुझसे पूछ सकते थे कुछ लोग नहीं पूछ पाते थे तो उन पूछने और ना पूछने के दरम्यान जो सिलसिला था उसकी वजह से एक थोड़ी सी बेतरतीबी बन जाती थी तो उसका हल मेरे दोस्तों ने यह निकाला कि उन्होंने कहीं जूम मीटिंग पाए जी जिसने जो पूछना खुद पूछ है तो उसके बाद फिर फनी सवाल भी हो जाते हैं थोड़े सेलमी सवाल भी हो जाते हैं तो जो हमारी किताबों में तहरीर है उसको जितनी मेरी इजाश में होता है वो मैं जवाब दे देता हूँ या जो मुझे समझ में आया जाती है अपनी तजर्बे में जिंदगी के दौरान जो कुछ मैंने महसूस किया उसके ऊपर मेरी एक अपनी है जीता जागता इंसान हो तो अपनी एक राय होगी तो वो राय में मुनासिब तरीके से आपके सामने पेश कर देता हूँ उसमें से जो कुछ भी मैं बयान करता हूँ वो मेरी तजर्बे की रोशनी में कुछ राय है और उसमें से कुछ चंक्स मेरे दोस्त को लेके अपनी कैफियत को समझ लेते हैं अपनी वारदातों को समझ लेते हैं मामलात को समझ लेते हैं पुरानी जो वारदातें उनको समझ लेते हैं बाकी उनको कुछ हिदायत मिली हुई है तो उस पर ज़रा अमल कर रहे होते हैं उससे मुतलका सवाल हो जाए तो जो मुझे पता होता है वो आगही मैं उनको दे देता हूँ तो ये सिलसिला हमने शुरू किया हमारे दोस्तों ने और पिछले अगर आप लास्ट हमारे रमज़ान की गुफ्तूस ने पिछले साल तो नहीं किया था उससे पिछले साल तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी फेसबुक पे भी मैंने कोई डाली थी उन्होंने नहीं है तो वो यूट्यूब का चैनल जो मेरे नाम से हकीम फहीम के नाम से होगा तो वहां जाके आप देख सकते हैं रूहानी रूहानी रमज़ान रमज़ान के के नाम नाम से से ये भी के नाम से पे जा रहा है तो हम लोग इसमें जो गुफ्तू कर रहे हैं आजकल वो है रमजान के बातनी फायद रूहानी फवायद जो अमूमन हमसे मिस हो जाते थे उसको बगैर ज़ाया किए हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मुस्फीद हो हो सकते हैं उन कोशिशों को बार बार करने के लिए हम यहाँ बैठते हैं गुफ्तु करते हैं तो बहुत सारे दोस्तों ने इसको पसंद भी किया फिर बहुत सारे सवाल भी पैदा होते हैं बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी इससे बड़ी आसानी हुई रहनुमाई हुई कुछ ने कहा कि जी आप मजीद बढ़ाना चाहिए कुछ ने क्या कहा कुछ ने क्या कहा तो फिर हमें लगा कर चले इसको बढ़ा के देखते हैं तो जो आप जो आप समझेंगे मैं जो बयान कर सका इन बयान करूंगा जो मैं नहीं बयान कर सकूंगा तो मैं बिल्कुल बयान नहीं करूंगा ठीक है तो बस हमारे मतलब हमारे जो मौजूद है उससे मतलब रहते हैं कोई सवाल जवाब आप आपके जहन में हो लाजमी कीजिए हम हाजिर आपको बिल्कुल जवाब देंगे जितना हमारी सकत है उसके मुताबिक या जो हम जानते हैं जो बाकी लोग जानते हैं वो हम नहीं जानते क्योंकि हमने अमूमन बाकियों को मुताल नहीं किया हुआ बाकियों के ऊपर इतनी रिसर्च नहीं की होती हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं मिली क्योंकि हम तलब इलम कैसे होता अपने इस्बाक पे और अपने अपने सब्जेक्ट में इतना फोकस होता है उसको बाकी नॉवेल पढ़ने का या बाकी जो बुक्स हैं उनको पढ़ने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता तो जो हमारी मतलक बुक्स थी वो हमने पढ़ी हुई होती हैं या कुछ गुफ्त शुनिद लेक्चर्स वगैरह हमने अटेंड किए होते हैं उतनी हमारी नॉलेज होती है कुछ हमारे तजुर्बाते हैं रूहानियत के बारे में ठीक है तो जो आप पूछना चाहें बिल्कुल मैं हाजिर हूँ जो या जो अपना आप शेयर करना चाहें बस ये जहन में रखिए किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की कि ऐसी गुफ्तु ना की जाए जो किसी एक खास तरफ झुकाव देती हो जो गैर अगर अंदाज अपनाया जाएगा तो यकीन ये टीम मेरी इसको म्यूट कर देगी या बंद कर देगी तो गैर अंदाज ना अपनाया जाए क्योंकि ये सारे यहाँ पे बेचारे अः रूहानी तालबेल में और इलमी तालबेल में ना हमें कुछ सियासत से दिलचस्पी है ना हमें पता है ना हमें आती है अच्छा उसके बाद ना हमें ये मसाइल का पता है ये जो होते हैं क्या कहते हैं इसको मुख्तलिफ तबका फ़िकार जो होते हैं ना मजहबी तौर पर भी तो हम ज्यादा इनमें इन्वॉल्व नहीं होते ना हमें इनके बारे में पता है तो उसके लिए आप हमारे भी बुजुर्गों से रता कर सकते हैं मजीद मालूम चाहें तो बस ये है ये मारूजात मैंने पेश करनी थी सतरवा रमजान मेरा ख्याल में हो गया सतरवीं नशस्त है हम तो अपनी गुफ्तगु की तरफ आते हैं अलहदुल्ला आप लोगों ने महसूस किया कि आप खरामा खरामा कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ फीलिंग शुरू हो चुकी है कुछ दोस्तों ने जरूर कहा है तीन एक दोस्तों ने कहा है मुझे एक खातून बहन थी हमारी तो दो भाइयों ने कहा कि अभी कुछ स्टेप कि इस टाइप की एक्टिविटी महसूस नहीं कर रहे उन सबको मैंने यही कहा कि इसमें वर्ड होने की जरूरत नहीं है कि आप ये ना सोचे तो महसूस नहीं हो अरे भाई अभी तो कदम रखा है अभी आप आगे चले जो कुछ होना वो अल्लाह की तरफ से होना इन जल फी लई लतुल कदर बमरा का माल लई लतुल कदर अल्लाह तुम्हें क्या पता क्या होता है ना तो मुझे क्या पता ठीक है हमें तो जो रहनुमाई की हमने हमने क्या उस पर चलते हैं जो कुछ वो होता है लही कदर जो है वो खुद सामने आएगी तो उसमें जितना अल्लाह ने बताया वो क्या बताया लली अलफिशर वो एक हजार रातों से बेहतर है अरफिशर तलजलतीम उतरते हैं उतरते का मतलब उतरते हैं दिखते या महसूस या हमारा ख्याम ख्याल नहीं है वो उतरते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है ठीक है तनजर ऐसा ही था, था ना क्या था ल्कद्र। भाई सलाम। सलामती है सलामती है फजर तक ये ले के उतरते हैं अल्लाह की तरफ से अमन और सलामती है ये फजर के तलु होने तक तो हमारा हाँ हम ये कहते हैं कि उस रात को पाने के लिए उस हवास को पाने के लिए रोहानी तालबिल ऐसे लेते हैं कि ये एक हवास का नाम है एक शूर का नाम है कि जब आप उस हवास में दाखिल हो जाते हैं चाहे वो दिन का टाइम है चाहे वो रात का टाइम है ठीक है वो हवास को जब आपने रात के हवास को जब आपने टच कर लिया लइल के हवास को टच कर लिया तो वो बड़ा अफजल है उसमें मलाइका और धूल अमीन उतरते हैं वो बड़ी पाकिदा रात होती है और इसी में जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ ना कि एक और आयत में कि रोजे की जगह मैं हूँ रोजा रोजे की जगह मैं हूँ अल्लाह ने अपना हाँ आप पेश किया है कि भाई मैं हूँ अपने बारे में कहा कि अपनी ज़ात के बारे में आपको बदले में क्या मिलेगा रोजे के बदले में मैं तो मुझे लगता यह है कि उस शब कदर जो होती है उसी के अंदर अल्लाह तबारक की मौजूदगी का एहसास अल्लाह तला की ज़ात का एहसास एहसास या अल्लाह चाहे नज़ारा अल्लाह की मर्जी है जिस तरह जिस तरह जिसके सामने आना चाहे या जो कुछ दिखाना चाहे वरना फरिश्ते और रोल अमीन से आप मुस्तफ़ी जरूर होंगे बाद लोग उनको देख पाते हैं किसी को मुशाह होता किसी को नहीं होता मुशाहिदा से मुराद आंख का देखना नहीं से मेरी मुराद थी वैसे मुशाहदे में तो सब कुछ आता है लेकिन बाद लोग आँख से देख पाते नहीं बाद लोग फील करते हैं बाद लोग अच्छा ख्वाब आता है बाद लोग अपने अंदर एनर्जी में कुछ ख्याल बहुत अच्छे आते हैं अचानक ब्लिक होते हैं बड़े बाद लोगों को खुली आंख से विजन नजर आते हैं खुली आँख से कुछ देखते हैं कुछ लोग अचानक से लाइट देखते हैं कुछ लोग अनवार को बरसता हुआ देखते हैं फिर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तजर्बे हैं आप सब लोगों ने देखे हुए तो अलहमद लाला हम हमारे बहुत सारे दोस्त हर साल कुछ ना कुछ दोस्त मेरे लाजमी गुजरते हैं नहीं है तो आप इतमान में रहेंगे मुतमिन रहेंगे कि आपने रमजान बहुत अच्छा गुजारा आपके अंदर नूर भर गया वो नूर कभी ना कभी काम आएगा वो आपका डिपॉजिट में पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे काम आएगा कि लोग हैरान रह जाएंगे कि इसके ये मामलात अल्लाह ने कैसे सेटल किए तो इसके लिए सत्रवा रोजा है कुछ लोग थक रहे होंगे उलझ रहे होंगे यार खाने की कमी थोड़ी सी की हुई है नींद की थोड़ी सी कमी की हुई है जो उस प्रोग्राम के मुताबिक कि भाई थोड़ी सी नींद को कम करें साढ़े चार घंटे चल रही होगी अभी और आगे भी उन्नीस बीस तक भी वो साढ़े चार घंटे ही है तो उसमें आपने जहाँ पर नींद का नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक वही चार साढ़े चार घंटे को ही फॉलो करना है अब आप एक दफा चार साढ़े चार घंटे को चले अब आपने पीछे नहीं जाना है उसकी नींद को आप कम ही रखें मजीद कम कर रहे अगर आपको कोई उलझन है ज्यादा नहीं करनी है जब तक आपका आखिरी सत्ताइस नहीं आ जाती ठीक है तो इन शह मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ इलाकों में तराबी की नमाज हो रही है नवाफिल हो रहे हैं वहां पर जाके बैठे नमाज को पढ़े तो उसके जो मामला आपके रहते हैं वो उसके बाद पूरे करें ठीक है जो अस्कार वगारा दिए गए हैं वो उसके बाद पूरे करें बस कंट्रोल किस पे करना है कलाम पे और नॉम पे और तुहान तो पे ठीक है नींद पे खाने पे और बोल चाल में बस इसको कमी करें या मखसूस लोगों के साथ उठे बैठे एक तो ये करें दूसरा तजर्बा मेरा ये है मैंने आपको अर्ज किया कुछ एक दो मखसूस जोड़े रख लें वही पहने धोएं और उसी को पहने तो ये बार बार रंग चेंज करना बार बार नए पुराने कपड़े पहनना ये ये इतना अच्छा बस कोई पुराना जोड़ा रख लें जो नरम हो पुराना चले नया ले लें नया लेकिन नरम हो ठीक है तो उसी उसी को बार बार पहने जब तक जरूरत नहीं है उसको खा चेंज ना करें तो कवानीन वही लगना शुरू हो जाएंगे जो अहतक के होते हैं अहतकाफ़ में तो आप खा नहाए भी नहीं है ना खा तो लबास क्यों तब्दील करना ठीक है तो इसी तरीके से बार बार लबास को तब्दील करना खा मखा हर वक्त कंगिया करते रहना हर वक्त ये करते ये मुनासिब रविश नहीं है रमजान में कहीं बाहर जा रहे हैं ठीक है आप करें साफ़ सुथराई का इंतजाम तो करना है ना तो बाद लोग होते हैं एक्स्ट्रा अपनी बॉडी पे तवज्जो दे रहे हैं परफ्यूम में लगा रहे हैं भाई वो करोगे तो आप आपकी तवज्जो हट जाएगी ठीक है तो बस आप इसको जारी रखिए इंशाल्लाह अल्लाह इन आप सबको कामयाबी अता करे रमज़ान की बरकतों से आपसे आपको नवाजे और बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं वो फैमिली समेत हरम में हैं इस टाइम और उन्होंने मुझे याद रखा उन सबका भी शुक्रिया आराम से भी मुझे वीडियो बनाते हैं कभी लाइव लेते हैं उन सब दोस्तों से भी गुजारिश है कि मुझे दुआओं में याद रखें वहाँ पे आपको अल्लाह ने नसीब किया तो मुझे खसूस तौर पर याद रखिएगा मैं भी आपको याद रखूंगा यहाँ पे इंशाल्लाह मैं अभी कल का प्रोग्राम है शायद हो सकता है शायद वहीं से प्रोग्राम करें भी हम पर ज़रूरी नहीं है कब वो यू अंसारी रजी अल्लाह तुनों के मदार पे जब मुझे मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ तो वहाँ पे अमूमन रफ्तार की जाती है तो मैं उससे पहले मुझे आना पड़ता है इस प्रोग्राम की वजह से वरना शायद मैं लेट हो जाऊँ तो इन मैं कल भी जाऊँगा आपके लिए भी दुआ करूँगा और आप भी मेरी भी दुआ कीजिएगा ठीक है तो बस अब आप में हाजिर हूँ बल्कि आप इस प्रोग्राम की तवसत से अपने ख्याल का जो इजहार करना चाहें जो मैंने कहा स्पेसिफिक एक उसमें कॉन्टेक्ट्स में रहते हुए आज की गुफ्तु के हवाले से कुछ करना चाहें ज़्यादा बेहतर है ये तरतीब बना लीजिए जो गुफ्तु हुई है उसके ऊपर अगर कुछ आपके जहन में तनकीदी सवाल और ये वो भाई बोले हम लोग हैं ही नहीं हमें समझ ही नहीं है ठीक है तो इसलिए इसको अवॉइड कीजिएगा ज़्यादा सादे सादे बातें जो समझने के लिए होती हैं अगर वो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भाई मैं हाज़िर हूँ बाकी आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं बरकातहू अस्सलाम वालेकुम सर मैं पेशावर से काजी इजाज़ हूँ जी सर कैसे काजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सर उम्मीद है आप भी ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरा एक सवाल है जी जी. सवाल यह है कि लैलतुल कदर में या कदर वाली रात में या कदर वाले आवास में खैर होती है जी इस हवाले से सर मेरा सवाल यह है कि हम आमतौर पे एक बात सुनते हैं कि हर खैर में एक शर छुपी होती है और हर शर में एक खैर छुपी होती है तो ये जो छुपी हुई खैर और शर है क्या इसको पहचाना जा सकता है और अगर पहचाना जा सकता है तो इससे कैसे पहचाने और इसकी जो शर है उससे कैसे बचे बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया आपका बहुत अच्छा है सुनने में जो आया हुआ ना वो हमारा मौजू ही नहीं है ना देखिये अल्लाह तौर ममई यामल मिसकाल बमई आमल मिसकाल खा ही जिसने मिसकाल बराबर खैर की उसके बदले में रिवार्ड उसको रिवार्ड उसको मिलेगा जिसने शर की रिवार्ड में उसको मिलेगा खैर के साथ शर जुड़ा हुआ अमूमन मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ने कहीं इस तरीके से उसको बयान करने की कोशिश की हो लाजमी है ये लाजमी है कि चूंकि हम हम खैर के वारिस हैं हम इंसान है ना तो जब हम आए तो हमारा शेतान जुड़ गया ठीक है तो वो शैतान कहाँ पे बैठ के स्ट्राइक करता है जहाँ पे ख्याल आते है बस ये ये जहन में अच्छी तरह तो बिठा बैठा लें उसके बाद आप अपने तजर्बात की रोशनी में और भी कुछ जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी समझा लें तो ये ख्याल में गड़बड़ करेगा साहब जैसे ही आपके ख्याल में लगे ना कि आपको कोई अन नेचुरल बस आप ख्याल को अगर समझना शुरू हो गए तो आपको आप पकड़ लेंगे कि यह खैर का सवाल है ख्याल है या शर का ख्याल है ठीक है अल्लाह की तरफ से नहीं है ये जहन में अल्लाह की तरफ से खैर ही खैर है हमें खैर का वारिस बनाया है ना हम तो वो है ना अल्लाह की तरफ से खैर होती है ना अल्लाह ने कहा इनकी जायलुफिल खलीफा इन्हें मैं खलीफा बना रहा हूँ अर्ज पे खैर का खलीफा हुआ हम शैतान साहब जो है वो हमारे वो नाराज हो गए किसी बात पे नाराज थे ही उन्होंने कहा कि मैं तेरे बंदों को तेरे बंदों को मैं हटाऊंगा ठीक है साधे साधे अल्फाज में बयान कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं उनके रास्तों में बैठूंगा तो रास्ता क्या है अब हमारा कनेक्शन कैसे होता है अल्लाह से और अल्लाह के दोस्तों से अल्लाह के रसूल सल अल्लाह वसम की जो हिदायत है उससे तो हम कैसे मुस्तफ होते हैं ख्याल है ना ख्याल है किताबों में लाते हैं किताबों से हम ख्यात लेते हैं इस तरीके से तो वो मुंतकिल होते हैं इस मुंतकली के दरमियान का यहाँ शैतान कहा मैं तेरे रस्तों में बैठूंगा तेरे बंदों के जो बंदा कोशिश कर रहा था अल्लाह की तरफ जाने की वो रस्ते में बैठा हुआ है उस ख्याल वो क्या करेगा केड़ा बंद पैदा करेगा यही हमारे पीर मुर्शिद की तालीम है ते वो टेड़ेपन से बचो ठीक है तो टेढ़ा पन यही है कि वो आपको एक चीज सीधे तरीके से आसानी से समझ में आ रही है आप नहीं समझेंगे आप बोलेंगे नहीं, इसको लज्जत लगाए लज्जत उसमें लस्ट मिलाए मसाला डालें उसी को लंबा चौड़ा घुमा के आप बयान करेंगे कहानी जब तक नहीं मनाई जाती ना हमारी ट्यूनिंग ऐसी होगी खासतौर पे हमारी हमारे मुल्क के जो हमारे दोस्त हैं उनको जब तक घुमा फिरा के लंबा चौड़ा करके मिर्च मसाला लगा के बात ना सुनाएं तो सुनते ही नहीं समझते तो उसके बाद भी नहीं है ठीक है तो ये जो मिर्च मत, ये टेड़ापन जो किसने याद किया ये शैतान ने इसमें शर आना शुरू हो गया मतलब ये कि भाई पानी जो है वो खैर के लिए है ना सब मानते हैं पानी के खैर के लिए बना खैर के लिए इस्तेमाल हुआ और खैर के लिए इंसान पीता कि मैं जिंदा रहूं अब उसके अंदर अगर मैं क्या मिलावट करना शुरू कर दूं या मैंने कंट्रोल शुरू कर दिया बॉटलों की सूरत में कि नहीं अब आपको यही पानी भेजना है उसके बाद पैसे अब शर शुरू हुआ है काम खैर का पानी ही पिला रहे हैं आप कह सकते हो फलानी कंपनी तो नेकी का काम कर रही है वो तो पानी पिला रही है भाई पानी तो पिला रही है पर शर जरा ये वो वाला मसला बन गया कि वो पानी तो पिला रही है लेकिन वो शर बीच में से अपना रखा हुआ है अपने मार्जिन के चक्कर में अपनी मुनाफली के चक्कर में जो भी कहें आप तो बस वहां से गड़बड़ शुरू हो गई ठीक है तो आपको जब भी खैर और शर को समझना है तो एक कुलिया रूहानी शागिदों को जो कुलिया पता बताया जाता है उस्तादों की तरफ से वो ये है अगर आप ख्याल पढ़ने के, के माहिर हो जाते हैं ख्याल पढ़ने आदि हो जाते हैं मुराकबा करते हैं या आप अस्कार करते हैं नमाज आप अच्छी पढ़ते हैं तो अमूमन क्या होता है ख्याल को बड़ा अच्छे तरीके से बंदा रीड करने लग जाता है कि मुझे ख्याल आ रहा है तो लोगों को पता ही नहीं होता मुझे क्या ख्याल आ रहा है पता ही नहीं है सालों साल गुजर गए उन्होंने गौर ही नहीं किया कि मुझे ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा अमूमन आ भी होगा तो क्या आ रहा है जो खुद प्रोड्यूस किया हुआ है वो ख्याल नहीं है टकराने के बाद जो शुभहत बनती है ना शुभहात जिसको कहते हैं तशबिहात टाइप की चीज तो उनके अंदर उसको समझते हैं ख्याल वो ख्याल थोड़ी है वो तो आपकी स्क्रीन में टकराया आपकी तरबियत के मुताबिक जैसी भी स्क्रीन थी गंदी मंदी टेढ़ी मेढी उस या साफ़ सुथरी उसके मुताबिक उसने उसको मुनस किया जब वो मुनक़स हो तो आपने देखा आपने देखा तो आपने कहा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे अल्लाह के राह में जा सकता हूँ यहां से शुरू हो गया अक्ष का का काम अल्लाह ने कहा अल्लाह के राह में निकलो आपको ख्याल आया मुझे निकलना चाहिए अल्लाह के राम ही ख्याल आ गया दूसरा ख्याल दूसरा ख्याल होती है, हाँ है तो इसलिए रूहानी शागिदों को क्या बताया जाता है आने वाला पहला ख्याल नवे शहरिया नन्यानवे फीसद ठीक होता है अगर आप ख्याल पढ़ने के मायर हैं तो सबके लिए नहीं है ठीक है अगर वो मराकबा करते हैं अस्तार करते हैं अल्लाह की तरफ जहन रुझू रखने की आदत है उनको तो फरिश्तों की तरफ रुजू रहने की आदत है सैद्ध पे द्रूछरी पढ़ते रहते हैं या अपने असकार असपाक जो कुछ भी उनको उल्मान है, उनके अः शयूख ने बताए हुए अगर वो करते हैं तो उनको जो ख्याल आएगा ना भाई साहब वो बड़ा क्लियर आएगा और वो जो पहला ख्याल होगा ना वो खैर का है उसके बाद जो उसमें तमसाल बनी तमसाल का मतलब अच्छा ख्याल आ गया हज के लिए निकलो ख्याल आ गया इसका मतलब अल्लाह की तरफ से खैर हो गया आप निकलो बसायल मुहैया हो जाएंगे अल्लाह की बात शॉर्ट होती है लेकिन अब क्या वो शैतान ने उसमें डाला जाएगा कैसे पैसे तो है नहीं बस ये दूसरे ख्याल गड़बड़ अब अब तुम साल आप खुद बनाएंगे शैतान कहता है मैं तो शीरा लगाता हूँ बाकी शीरे के ऊपर मक्खी आती है मक्खी के पीछे छिपकली आती है छिपकली के पीछे बिल्ली आती है बिल्ली के पीछे कुत्ता आता है कुत्ता कड़ाई में गिरता है उसके बाद फौजी का जो जिस फौजी का था वो पूरे शहर को उड़ाकर रखता था तोपों से सुनी हुई ना ये कायद शैतान कहता मैंने क्या किया मैंने तो सिर्फ शीरा लगाया था वो शीरा लगाता क्या जाएगा कैसे पैसे तो है नहीं तेरे पास बस कितने लोग हज हाँ इसलिए नहीं कर रहे पैसे लगेंगे हालांकि वो हर साल देखते हैं कैसे कैसे लोग हज हाँ चले जाते हैं अरे आपके आप थोड़ी जाते हो बुलावे से जाता है आदमी अभी रमजान में जो लोग गए हैं मैं और आप ना गए बाकी लोग पहुंच गए जिनका बुलावा आया हमारा भी आएगा दोबारा मैं पहले जा चुका हूँ इन शहमदुल्ला रमजान में ही गया हूँ और आप लोग भी गए होंगे सब लोग काफी सारे जो लोग नहीं जा सके उन सबका बुलावा आएगा कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें हैं ये बुलावा जब आएगा जब ही जाता है बंदा और जब बुलावा आता है वो चला जाता है शर्त एक क्या कि आप अपने ख्याल को उसके अंदर मत क्रॉस करें ठीक है तो पहला ख्याल आया उसको मैंने बुलेट किया शैतान ने थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट मारा अब आप खुद बुन रहे हैं जो आपकी तरबियत है अगर आपकी तरबियत ठीक नहीं है अब आप देखते हैं कि जी अरे हाँ वाकई वो भी तो नहीं जा सका था अरे मेरे भाई टमाटर इतना महंगा हो गया टमाटर का हस्ते क्या था लोग ठीक है तो वो क्या होगा वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे आपको मल्टीप्लाई के उसको कहते हैं तमसाले बनाना तो तमसाल कब बनाता है बंदा जैसी उसकी तरबियत है अगर उसके उस्तादों ने उसको माँ बाप ने ये बताया वह अल्लाह मालिक होती है अल्लाह वारिस होता है आप इरादा करो नेक नियति से अल्लाह पूरा करेगा तो वो जैसे उसको ख्याल आएगा शैतान कहेगा कि जाएगा कैसे तो आपके जहन में ख्याल आएगा अरे भाई जो तो बंदा इरादा बना रहा है तो अल्लाह में पैसे नहीं देगा क्या पैसे भी देगा वो ठीक है तो इस तरीके से खैर और शर् मिक्स वोगा इसके ऊपर बहुत सारा कलाम किया जा सकता है आज के लिए इतना ही काफी बहुत शुक्रिया सर बहुत नवाजा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी सामकुम सर सर एक सवाल है हमें जी फेसबुक पे आया है खालिद खान साहब हैं ये सवाल कर रहे हैं कि सलाद क्या है जो हम पांच टाइम पढ़ते हैं क्या इसको सलाद कहते हैं अगर ये सलाद है तो पिछली उम्मतें कैसे कायम करती हैं है ये हम जानते हैं मैं ज्यादा इसकी कट को का इतना अच्छा मेरा वो नहीं है लेकिन जितना मुझे पता है सलाद का जो मादा है वो सल है सल सल तल्लु क़ायम होना है ना सलाद का मतलब हुआ जहाँ दुआ करना नमाज पढ़ना इसका मतलब सलाद का ये भी है और इबादत करना दुआ करना लेकिन एक जो इसका मादे का जो लफ्जी मतलब है ना वो है तल्लु क़ायम करना कायम करना है ना इसीलिए कायम करना कहता है इसीलिए आया बाकी लोग उसमें पढ़ जाते हैं नमाज का हुक्म क्यों नहीं है हालांकि नहीं वो मेरा मैं वो वो आदमी नहीं वो, उनकी बातें भी ठीक है आप सबकी ठीक है वो बातें हकीमलात का मतलब हुआ ताल्लुक तल्लुक कायम करना पांच वक्त का से एक 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 असला बाबा साहब ने इस्तेमाल की है हैजूर पुलंदर बाबा ऊलिया जो सिलसिला है इमाम सिलसिला है हमारे सिलसिला के उन्होंने लोक कलम किताब के अंदर एक सबक बांधा है उसका नाम है निज़ाम किसी वक्त उसके ऊपर हम गुफ्तू भी करेंगे अगर आपको किताब मिले अगर आपका जोक है तो वो आपको किताब आप ढूंढ सकते हैं वो आपको मिल जाएगी तो उसको पढ़ें उसमें बहुत कमाल की चीज़ें पानी और अमूर पर मख्फी अमूर पर बहुत जबरदस्त किस्म के वजात के साथ बयान किया गया तो वहाँ पे बुजुर्ग करंदर बाबा और फरमाते हैं कि भाई निजामु सलात जो बताया गया उसका मतलब तल्लु कायम करना है और होता यह है कि निजामु सलात से मुतल यह है कि आपको हर वक्त अल्लाह से कनेक्ट रहना है अब मेरे अब, अब मैं मफहम बता रहा हूँ ये मैं वहां की बात नहीं बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आई थी वो मैं मफहम बता रहा हूँ निजाम सलात का मतलब है अल्लाह ने जो निजाम रहाइज करवाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के जरिए कि वो हर वक्त अल्लाह से बंदे रहे होता ये था कि सुबह उठे ताकि फौरन उनका ध्यान जाए अल्लाह की तरफ वो अपने आप को फ्रेश करें और अल्लाह की इबादत करें ताकि जहन रहे अल्लाह की तरफ सुबह के टाइम पे यकसुई ज्यादा होती है इसलिए वो यकसुई काफी देर तक चलती है बंदा माश के कामों में लग जाता है तो वो यकसुई चलती रहती है उसको जहन में रहता है मैं अल्लाह के साथ अल्लाह मुझे देख रहा है ना या जो भी या अल्लाह मेरा मालिक है अल्लाह मुझे रिस्क दे रहा है वो रिस्क कमाता रहता है तो आखिर में ये होता तो है उसका जहन थकने लग जाता है और जहन हटने लग जाता है जब जैसे ही जहन हटने लगता है शक होता है कि वो शैतानी हमलों की जद में ज्यादा आ जाएगा तो उसकी देर में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हो जाता है जोर का टाइम बंदा फिर वजू करता है इरादाता अपने आप को शऊर को तोड़ता है कि नहीं भाई मैं अल्लाह से रुजू करने वाला हूँ अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के दरबार में जाने वाला ये जो इरादे कर रहा है ना जो भी इसकी नीयत है जब वो जाएगा वजू करेगा फिर दोबारा अल्लाह की तरफ सोचेगा फिर कहेगा आया अल्लाह तू बहुत बड़ा अल्लाह अकबर फिर उसकी हम सना करेगा सजूद, कयामों सजूद और और करेगा है ना तो अब उसको वो फिर काफी देर के लिए प्रिपेयर हो गया लेकिन अब उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होने लग गई है बात है तो क्या होगा वो असर के करीब फिर वो खिचड़ी पकने का चांस होता है अगर नमाज का टाइम ना आए तो अमूमन लोग थकावट का शिकार है दिन खत्म हो रहा होता है दिन का असरा तहलील हो रहे होते हैं अब शाम के आस्ते तो शुरू हो रहे हैं तो बंदा थोड़ा सुस्ती महसूस कर रहा होता है दिमाग की जो गिरफ्त होती है जिसने इसको बांधा होता है अपने बॉडी को अल्लाह के साथ जहन के साथ बांधने के लिए उसने मजबूर किया होता है वो गिरफ्त निकल रही होती है हाथ से तो फिर अल्लाह के फजल से दोबारा असर का टाइम हो जाता है बंदा फिर से वजू करता है फिर से अल्लाह अकबर कहता है दोबारा अल्लाह से जुड़ जाता है अब वो इतना ज़्यादा थकावट का एक सिलसिला शुरू हो चुका है कि मतलब थकावट के अलावा जहन ना अब रूहानियत रूहानी ओलूम की तरफ जाना शुरू कर देता है ला शूर की तरफ क्योंकि रात आ रही है ना बंदा चाह रहा है कि बस मैं लाशहूर की तरफ जाऊं जिसम जो है आहिस्ते आहिस्ता इनकार करने की तैयारी में होता है तो मगरब आ जाती है मगरब करके बंदा का फाइनल फैसला कर लेता है नहीं भाई अब हमने घर जाना है खाना पीना उसके बाद हमने लाश के साथ जुड़े जाना है मतलब नींद में चले जाना है उससे पहले वो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करता है लंबे अरसे के लिए ईशा के लिए सत्रह रक़ात वक़ात पड़ता है जिक्र असक मराकबास् जो भी असफाक जो भी है करते हैं और रात वो करने के बाद जब वो सोता है वो अब लाशूर में होता है और वो फिर वो अल्लाह के साथ जुड़ा रहता है क्योंकि तो वो तरह उसने जो काम किया वो नमाज है ठीक है पुरानी काम जो उसने किया आखिरी वो नमाज होता है उसके बाद वो चाहे वो कुछ भी करे लेकिन उसके असरात अब शुरू है वो जो सत्रह रकात है उसको आठ दस घंटे के लिए काफ़ी होती है ठीक है वो सोता है सोता है सोता है, सोता है उसमें अच्छे ख्वाब भी देखता है फिर भी वो मतलब अल्लाह से दूर नहीं होता फिर सुबह उठता तो फिर फजर हो चुकी होती है इस तरीके से एक सिस्टम चल रहा है तो निजाम सलाद अल्लाह ने इसलिए बनाया बाकी भी जो मकाशद वो भी है कि आप हर वक्त अल्लाह के साथ जुड़े पहले की कौमें मैंने अर्ज की कि मुझे पता लगा कि यहूदी तीन मरतबा आजकल कर नमाज पढ़ते हैं अपना जो भी उनका तरीका है इबादत करते हैं। तो पहले भी निज़ाम सलात कायम था अम्बिया कराम हमें नहीं पता बाकी कौमे क्या करती थी पर हमें यह तो यकीन है ना मूसलम सलाद ही कायम करते थे ये तो हमें यकीन है ना क्या हजरत ईसा सलाद ही कायम करते थे अमूमन कहा जाता है पांच वक्त लेकिन अगर पांच वक्त ना भी है तो दो वक्त लाजमी था जब सूरज तलु हो रहा होता है दिन शुरू में फ़ौरन बाद या बाद में भी या जब गरूब हो रहा होता है इवन के हिंदुओं के अभी बहुत सारे बिया गुजर के गए होंगे उनको भी जो तरीके जो प्रॉपर हिंदू हैं उनको भी देखेंगे वो कम से कम दो मरतबा करते हैं और मौका मिले वो तीसरी मरतबा इबादत करते हैं वो है दिन का, एन असर का जोहर का टाइम तो ये मुख्तलिफ क्या तमाम ही जितने भी मजहब हैं जितने भी गैर मजहबी लोग भी हैं उन सबको ये पता तो उस टाइम पे वो कुछ नहीं है जो गैर मजहबी लोग होते हैं मॉडर्न कहते हैं हम इस टाइम पे हम सुबह सवेरे उठ के पहले रनिंग करते हैं हम नहीं कुछ करते वो भी वही कर रहा है अपनी रूटीन बना लिया लिए ताल्लुक बना लिया अपने आप को सेहतमंद रखने का वो हम वॉक करते हैं जिम जा रहे हैं सुबह सवेरे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं सबका मकसद वही है ठीक है तो पहले के लोग भी मेरा मानना ये है कि वो दो मरतबा कम से कम ये करते थे दो वक्त की फराइज मेरे ख्याल में बाबा आजम इस्लाम से है और उसके बाद जब नबी करीम सलम का टाइम आया तो पचास हुई और फिर पूरा वाक्य आपको पता मू साम के होते तो फिर पाँच हुई फिर वो पाँच वक्त सलात को अदा करते थे सलात से मुरादी है उस वक्त का राइज जो भी तरीका था उस तरीके के मुताबिक रबता करते थे मेरा मानना यह है कि इब्राहिम सलाम ने जो चूंकि तरतीब बनाई थी वो सब इसी तरीके से नमाज ही पढ़ते थे उसकी निशानी ये है कि पुराने जमाने के जो बुत मिल रहे हैं अरब के इलाकों में खासतौर कदीम कदीम वो सब के सब नमाज की मुख्तलि अंदाज में खड़े हुए मिलेंगे आपको कोई बैठा हुआ है वो देखने ना मिसर की तहजीब के अंदर भी जो बहुत मिलते हैं किसी ने हाथ यहाँ बांधा हुआ है किसी ने नीचे हाथ रखे हुए हैं ठीक है कोई रुकू में है सब के सब कुछ ना कुछ आपको इशारों में मिलेगा मिलेगा जरूर तो मेरा मानना कुछ भी हो सकता है लेकिन बहरहाल ये है कि हम ये कह सकते हैं कि दो वक्त वो राजमीर राबता करते थे अल्लाह से ताल्लुक कायम करते थे जो भी उनको उनके अंबिया ने बताया जो भी तरीका गुमान मेरा ये है वो नमाज का तरीका ही होगा वरना उनको जो तरीका बता दिया हो सकता है वो जिक्र स्कार करते हो हो सकता है वो खड़े हो जाते हो जैसे सुनने में सलाम अमूमन वक्त अपने ऊपर कपड़ा गिरा लेते थे, थे और खामोशी से खड़े हो जाते थे ज़रा वो यकीन नमाज ही पढ़ते होंगे लेकिन लोगों ने जो देखा वो ये भी देखा कि वो साइड पर होके अपने चेहरे पे कपड़ा गिरा लेते थे, थे और खड़े हो जाते थे सकूत साकत होके ठीक है कुछ और भी कुछ करते होंगे तो ये इस तरीके से था तो हर बंदे ने रता कायम करने का जो तरीका अख्तियार किया वो अम्बिया से ही आया वरना इंसान के पास क्या है कुछ भी अल्लाह की तरफ से रहनुमाई ना आए तो चाहे वो कोई भी मजहब था उन्होंने खराब कर दिया उसको तो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जैसे हिंदू हैं या बाकी और लोग हैं उन्होंने इसके अंदर ज़रूर अख्तरात पैदा करके गड़बड़ कर दी अपने अम्बिया की तरफ से आई हुई चीज़ों में मिक्सिंग कर दी जब भी तो दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो बाकी लोग आए उसकी वजह यही थी कि वो उनको इसीलिए भेजा गया कि उनसे वो थोड़ी गड़बड़ हो गई मिक्सिंग हो गई है भूल गए जैसे सात साहद्लाम ने जब पहली मरतबा कहते हैं कि जब हज के लिए गए सफ़ा मरवा की तरफ बूढ़े जो वहाँ पे लोग थे ना जो देख रहे थे बहुत सारे लोग तो दिल से ईमान जब लाए उन्होंने कहा यस हमने ये सुन रखा था यहाँ पर भी कुछ होता है लेकिन हम भूल गए थे हमारे बुजुर्ग जाते थे इस तरफ वरना वो खाली तवाफ कर रहे थे और वहाँ पर जो कुछ होता था उसका नाम हज रखा हुआ था फिर उनको याद है हमें पता कि यहाँ पे भी हमने कुछ करना है क्या करना ये नहीं पता वो किसको पता था रसुल्ला को तो रसुल्ला ने बताया वो पे सफा मरवा है वो बाकी सारी चीजें करनी है वो अल्लाह ने उनको बताई इसीलिए बताई कि उनको याद आ जाए जब याद आया तो उनको लगा कि यार ये तुम्हारे हमारे बुजुर्गों की कुछ है जो उनको आती है तो दिल जान सर जिला शामिल हो गए ठीक है तो ये मेरे समझ में ऐसा है बाकी उम्मीद है कि आपको मेरे जवाब से जरूर फायदा हुआ होगा जी नेक्स्ट আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এসার ফতেখার বোরানマンスারসি জি ফতেখার ভাই কেমন আছেন ঠিক আছে জি আলহামদুলিল্লাহ শুকর লাগা সার ইসলাত পর মাশাআল্লাহ খুব اچھی আপনি بات কি কারণ কি موضوع সালাত কা চল রাহা হ তো আপ تھوڑا سا اگر তাযত পর بھی কর দেন কারণ কি খুব زیادہ ফজিলত হ খাস কার রوانی মামলাত মে না তো সব কো ইসকা বহুত زیادہ ফায়দা হগা শুকরিয়া স্যার জি ম্যাম বহুত শুকরিয়া আমি ابھی bata dunga अच्छा इसमें यह कि आप हम जानते हैं नबी करीम वसल्लम पर और सुनने में आया कि बाकी अम्बिया पर भी वक्त छठी नमाज भी फर्ज होती थी ठीक है ये क्या गया फर्ज थी या हम यूं कह लें इन्होंने कभी भी जो छठी नमाज थी उसको कभी भी जाया मतलब नहीं होने दिया जैसे पांच पूरी और छवी पूरी वो थी भजद का वक्त सबा कराम उस टाइम पे बहुत ज्यादा तज की नमाज से गुजरा करते थे इसके बारे में सूरह मजम्मिल में भी इशारे मिल जाएंगे सूरह मुदसर में भी इशारे मिल जाते हैं कि ये वक्त जो है ना उनका उठा करो उस टाइम पे और जब वो उठना है ना उठना पता आपको नींद का कुछ पैरा पूरा करके अब आपने उठना है फजर से पहले अब आप उठते हैं स्पेशल जब आप जक़ात का अपना तजुद के लिए उठते हैं तो उन्होंने कहा कि वो, वो मेल बहुत मेल बहुत मिलता है जिसम का जहन का अल्लाह के साथ है ना कनेक्टिविटी ज्यादा होती है दिमाग बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उसके अंदर है ना बंदा फ्रेश होता है नींद पूरी की हुई होती है उसने या थोड़ी सी अभी रहती है वो अपनी एक लज्जत में होता है जब उसको उठता है अल्लाह के लिए उसके ऊपर और सरूर चौतारी होता है उसके बाद वो वजू करता है जो भी कष्ट काटता है हर वक्त तो गर्मी के मौसम सर्दियों में भी हम मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को तज्जुद के लिए उठते हैं और पूरा एहतमाम करते हैं वजू करते हैं उसके बाद वो तजुद के लिए जब वो खड़े होते हैं वो बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं जैसे बहुत सारे बुजुर्गों के बारे में कहा वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे सतून खड़ा हुआ है मतलब मैं लगता था हरकत भी नहीं इतनी ज्यादा यकसुई हो जाती है बाकी दिन के मुकाबले में इवन फजर से भी ज्यादा यकसुई होती है क्योंकि वो शहूर और लाशौर के दरमियान का वक्त है मतलब तो अभी आप लाशूर के आधे में पहुंचे और आधे के बाद शूर रहने शुरू होना है तो बोली अभी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है अभी आप बिल्कुल लाशूर में लाशूर क्या है लाशूर वो चीज़ है जहाँ पे आपको फरिश्तों का एहसास ग़ैब का एसासुरान का एहसास की मौजूदगी का ये सब कुछ कहाँ है लाशूर में हमारे लाशर में ना जन्नत का एहसास का खौफ ये चीज़ें क्या लाशूर में तो लाशूर की तरफ तहरीक कब बड़ी हुई होती हैं जब हम तद के लिए खड़े होते हैं तो जैसे हम आँखें बांधते हैं और हमें जब अगर हमें ये पता हम अल्लाह के लिए खड़े हैं तो हम अल्लाह के बहुत करीब महसूस करते हैं क्योंकि हम उस टाइम पर पूरी तरह जागे नहीं हैं पूरी तरह शहूर के कनेक्ट नहीं हुए अभी वो ऐसे ऐसे तो रोशनी शुरू होगी चिटकियों की आवाज आएगी हमारा दिमाग भी जागना शुरू होगा हम फजल पड़ेंगे और फिर काम धंधों पर लग जाएंगे ऐसा ही होता है ना फिर शऊर ही शूर है फिर हमें नहीं याद आएगा पूरा दिन तो ये जो तज का टाइम है ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम है इसके अंदर अगर आप पहले तजुद से पहले थोड़ी देर मुराकबा करें तो ये एक, एक एक्स्ट्रा एफर्ट होती है कहना चाहिए थोड़ा सा गुड़ का इजाफा करने वाली बात है थोड़ी देर के लिए अगर आप उस वक्त उठ के मुराकबा करें ये महसूस करें कि हम सब अल्लाह के हजूर मौजूद हैं अल्लाह के अनवार बरस रहे हैं ठीक है हमारे दिलों पे ऐसे दिमाग पे तो गुजर के हमारे दिलों में जज्ब हो रहे हैं लेकिन आप महसूस करें उनका वो जो नीले अनवार हैं ना उनके अनवार के मुख्तलिफ़ कलर होते हैं साढ़े ग्यारह लाख से ज्यादा कलर होते हैं जो अल्लाह ने हमें बताए हैं तो वो जो कलर हैं वो उनमें से नीले रंग के ख़ास तौर पे जो कलर हैं वो आपके दिमाग में सोचते हैं दिल में जज्ब हो रहे आपको लगेगा यकसुई बेताशा बढ़ गई सुकून बेताशा बढ़ गया गम गुस्सा टेंशन नफरत एकदम सुकून ही सुकून मिलेगा है ना उसके बाद आप कहते हैं अल्लाह अकबर और आपको लगेगा आप अल्लाह के बिल्कुल करीब पहुंची अल्लाह ने कहा ना जब तुम एक कदम चलते हो मैं दस कदम चलता हूँ है ना तो जब इसका मतलब कि आप आपकी जरा यकसू इतनी बड़ी हुई है आपने एक कदम अल्लाह की तरफ चला अल्लाह आपके खुद से करीब आपको महसूस होगा आपको लगेगा आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं और जो आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं वो ठीक बातें कर रहे होते हैं जो आपके अंदर की असल ख्वाहिश होती है ना वो आप अल्लाह से शेयर कर रहे होते हैं उसमें ना लिगी लिपी लिपी लिपेटने की हिम्मत नहीं होती टाइम पे बंदा कहता है यार ये या असल बात ही है मुझे पैसे चाहिए चाहिए असल पैसे किस लिए मुझे इज्जत होनी चाहिए अल्लाह मुझे इज्जत चाहिए ठीक है तो वो क्लियरली बयान कर दिया जाता है अल्लाह के फरिश्ते उसको नोट करते हैं अल्लाह का अजन अगर हो जाए तो वो उसी वक्त पूरा हो जाता है कहता है लो जी हो गया जितनी यकसुई हुई अल्लाह का तो मामला इस किस्म का है भाई कहते हैं एक अल्लाह ने कहा तुम एक लाख ख्वाहिश करो मैं पूरी करने की सलाहियत रखूँ तो ये तो हमने एक ख्वाहिश पूरी की है कि ये हमारे मसायल हैं हमारे मसाइल नहीं हैं या जो भी हैं अगर हमने मुकम्मल यकसुई के साथ खासतौर पर तजुत वाली यकसुई के साथ हमने अल्लाह के सामने रख दिया अल्लाह ने यकीन कहना है कि लो भाई इस काम को हम कबूल करते हैं आपके लिए ये हो गया फरिश्ते उसको नोट करेंगे हालात बनना शुरू हो जाएंगे ठीक है हालात बनना शुरू हो जाएगी ये इंपॉर्टेंट बात भई अगर आप कहें कि अल्लाह में मुझे बेटा दे दे फौरन तो नहीं होने वाला ना नौ महीने तो कम से कम लगेंगे ना तो हालात बनने लग जाएंगे ये मैंने मिसाल के लिए किया वैसे नहीं किया तो ये मिसाल देने के लिए तो उसमें यकसुई बहुत होती है बंदे का ताल्लुक ताल्लुक अपने गैब से लाशूर से बहुत जुड़ा हुआ होता है और गैब के अंदर क्या है अल्लाह तबारक ने फरमायाबुल ठीक है हिदायत देता है और कि कौन सा मतकीन जिनको ग़ायब पर यकीन होता है और ये क्या ग़ायब पर यीन का ये एक प्रैक्टिस होती है जो तो एक करते हैं आप ये गायब की प्रैक्टिस करते हैं ज़रा वनूदगी केलम में बिल्कुल आप गायब के तल्ल में अल्लामिया को महसूस कर हम महसूस देख तो नहीं सकते ना वो तो हम मियाँ देखते थे भाई हमने महसूस किया बस अल्लाह की तरफ से खैर होती है फगल होती है ज़रा अल्लाह की तरफ हमने रुझू कर लिया तो ने वगैरह सब ख़त्म हो जाती है ये इसके मेरे जहन में ये जवाब था मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सवाल का कुछ जवाब दे पाया हूँ और कुछ भाई जी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।, शुक्रिया। असल सर। वालेकुमल सर शबीर बात कर रहा हूँ एक्टाबाद से जी शबीर भाई सर मेरा सवाल ये है कि बहुत ज्यादा हमारी बहन भाई जो है वो ये वज़ायफ करते होते हैं मुख्तलिफ सूरतों के मुख्तलिफ अल्लाह के नामों के क्या इन अवराध से नेगेटिव पॉजिटिव जो होती है सर वो असर वो, वो हो सकता है, होता है वैसे सर देखो वैसे तो अकीदा और अकीदत में ये कहा जा सकता है कि अरे भाई अल्लाह का नाम है ये वो कुछ नहीं होता अरे भाई बातें हैं ऐसा है। लेकिन जब एक आ, सच्चे मुसलमान को ये पता है उसका ईमान होता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस कुरान को अगर मैं पहाड़ पे नाजिल करता तो क्या होता ये रेजा रेजा हो जाते क्यों भाई सही साहब पे अब नाजिल हुआ है ना उन्होंने कहा अगर ये पहाड़ पे नाजिल करता क्या होता रेजा रेजा हो जाते इसका मतलब कुछ था ना उसके अंदर कुछ अनवार है कुछ कशिश है कुछ एटमी ताकतों से भी ज्यादा ताकते हैं एक एक लफ्स के अंदर यही बार था जो अल्लाह ने पेश किया पहाड़ों के जमीन के सामने के सामने इनकार कर दिया इंसान ने उसको कबूल किया आदम ने कबूल किया उन्होंने कहा चल मैं उसको कहूंगा क्यों भाई इसमें क्यों इनकार कर दिया इसका मतलब उसमें कोई एनर्जीज हैं होता यह है कि गैर माहिर लोग जैसे दवाई के, के लिए तबीब होते हैं गो के अल्लाह ही नहीं पैदा किया और खा ले सब कुछ उठा के आप क्यों नहीं खाते तो उसके लिए डॉक्टर अकीमों के पास क्यों जाते हैं है ना इसी तरीके से रूहानी वज़ाह सेलेक्ट करने के लिए उसके माहरीन होते हैं जिनका काम है सीखा होता है पढ़ा होता है सोचा हुआ होता है या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अल्लाह की अताबी होती है उनको फिर उनको, उनको उनके पीर मुर्शिद की भी तरफ से तरबियत होती है और उनका खास निगाह होती है उस्ताद होते हैं जरा पिरशिद का मतलब होता है उस्ताद रूहानी उस्ताद को क्या कहते हैं पिरो मुर्शद ठीक है तो जब वो कुछ सिखाते हैं या उंडेलते हैं आपके अंदर तो अब आपको पता होता है कि कुछ चीजें आपको करने से ये फायदा हो रहा है लेकिन अच्छा तबीब जैसे उसको पता होता है ना कि कौन सी गजा और कौन सी दवा के क्या फवायद के साथ क्या नुकसान हैं कितनी मकदार में क्या नुकसान है है ना निका होगा दवाइयों पर लिखा होता है फवाद लिखे हो ना लिखे हो नुकसान लाजमी लिखते हैं ठीक है अगर पर्ची निकालेंगे तो तो खैर बड़ी कंपनियों की दवाइयों में भी लिखे होते हैं ये फला है ये फला है ये वेजो डायलेटर है ये डायलेट करेंगी वेसल्स को जितनी डायलेट करेगी इतनी मिकदार में खाएंगे उसका असर ये होगा ब्लड आपको अच्छी तरह मिलेगा ये है वो लेकिन नुकसान क्या होगा अगर आपने ज्यादा मिकदार में खाया तो किडनी की तरफ ब्लड को ज्यादा करके किडनी को फेल कर सकता है सिंपल ठीक है मतलब ये है कि उसकी फिजियोलॉजी बता दी कि अगर आप एक्सेस जाएंगे बिला वजह जाएंगे उसके आदाब पूरे नहीं करेंगे जिक्र उस वज़ाइफ के तो क्या होगा फायदा तो दे रही है हर चीज़ पानी भी फायदा दे रहा है इसकी अक्सर मिसाल में ये देता हूँ कि भाई पानी तो जिंदगी है पानी के बगैर जिंदा रह सकता है क्या नहीं ना जब पानी पिए बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता तो ये सुनामी से भाग क्यों जाते हैं लोग ये मर के पनाह हैं अल्लाह में सलाब तूफान से हमें महफूज रख पानी है ना ले लो अब तो उस टाइम नहीं कहते कि नहीं जी उसमें शिफा शिफा है भागते हैं सब लोग बारिश थोड़ी तेज हो जाए का असर अभी तक नहीं निकला पाकिस्तान के अंदर तीन करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी घरों से बाहर अल्लाह हम सबको माफ फरमाए अल्लाह हम सबकी आसानी पैदा सब के लिए भी आसानी पैदा करें क्या वो पानी था वही पानी है जिसके लिए आप तरस रहे हैं जिसके लिए आप कह रहे हैं इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता ऐसे ही अल्लाह ताला के जो नाम है जो कुरान पाक से लिए गए है ना बाहर से तो नहीं लिए उस कुरान का हिस्सा है जिसके बारे में अल्लाह ने क्या कहा इसको मैं नाजुल करता पहाड़ के ऊपर पहाड़ों पे वो भी रेजा रेजा हो जाते तैस, नैस हो जाते ठीक है तो उसका असर होता है उसकी बहुत ज्यादा अगर वजीफे की तरह पढ़ते हैं मुताे के लिए पढ़ना ठीक है वजीफे की तरह वजीफे का मतलब किसी मकसद के लिए रिपीटेडली पढ़ना एक मकदार के तहत फिक्स टाइम पे पढ़ना जैसे दो दवाई ली जाती है एक डोज एक चम्मच माजून सुबह एक दोपहर एक शाम खुद से खाने लग गया बंदा नुकसान होता है ना हमारे पास तो हजारों केस आते हैं ठीक है बिल्कुल ऐसी वजायफ में भी होता है कि अगर आप वजीफा करने लग गए अल्लाह के नामों का जो आपको किसी माहिर ने नहीं बताया किसी उस्ताद ने नहीं बताया तो उसका फायदा वो तो फायदा रहा होता है हम नुकसान कर बैठते हैं अपना हम उस फायदे के काबिल नहीं होते क्योंकि उसमें अनबार ज्यादा है हम पहाड़ की तरह रेजा रेजा होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर सकत उतनी नहीं है अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं है जब लेवल बढ़ता है अब आप पढ़े फिर और कुछ बताया दिया जाएगा जब आपका और तगड़े हो जाएंगे आप अब और पढ़े ठीक है तो इससे थोड़ा बहुत नफा नुकसान होने का चांस है क्योंकि वो खास मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जहन मेरे ख्याल अल्लाह ने फरमाया हुआ है इसके अंदर मैंने बहुत ताकत छुपाई हुई है अल्फाज के अंदर ठीक है अल्लाह खैर करेगा देखे ना मैंने पिछली गुफ्तगु में भी मिसाल दी थी कि इमली आलू बुखारा अनारदाना लीम सबके मुंह में पानी आया हुआ इस टाइम पे आप सोचो जब मैं कह रहा हूँ या वूद हो है दोस्त अल्लाह मिया तो कुछ नहीं हो रहा होगा हमारे अंदर या रहमान ठीक है ना या भाई कुछ हो रहा है नहीं हो रहा कुछ तो हो रहा होगा आप महसूस नहीं कर रहे हैं ना या रहमान या रहीम भाई जो लोग जानते हैं जो मतवजो होते हैं उनके अंदर सुकून क्रिएशन और पता नहीं क्या कुछ शुरू हो जाता है इस आवाज के साथ क्योंकि इसके अनबार बने में उनको पता है कि वो हमारे सेल के बजा के टकरा रहे हैं जो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत हो गए हैं क्योंकि हम आदम आदमी के बेटे हैं सैयद के उम्मती हैं हमारा एक एक सेल एक एक पहाड़ से बड़ा है वो ना लड़सता है ना जरा जरा होता है वो उसको जज्ब करने लग जाता है ठीक है तो इसलिए ये बड़ी टेक्निकल चीज है जैसे खाने के माहरीन गजा का तयन करते हैं इसी तरीके से रूहानी जो माहरीन है वो उसका तयन करवा करें जब इसको इस्तेमाल करना चाहिए खुद से वैसे ही एक तो ये बड़ा मसला है आजकल ना हर हर बंदा हकीम बना हुआ है हर बंदा वजीफे वाला बना और भुजते हैं बैसे हैं, ऐसी ऐसी करते हैं यार तो कुछ शर्म भी नहीं आती और उन्ही लोगों से कर रहे थे उनके जो, जो जो जिनका मताला है जिनका जिनकी पी एच डी इसी में है ठीक है मैं मेरा काम जो है वो डिप्रेशन के ऊपर है मुझे डिप्रेशन के बारे में मशा दे रहे होते हैं पर हर चीज से डिप्रेशन दूर होता है ये वो ठीक है अब क्या करें यहाँ की ऐसी रविश बन गई है तो इन्होंने हर चीज़ में उंगली देना अपना फर्ज समझा हुआ है फिर नुकसान करते हैं नुकसान करते हैं तो समझ में नहीं आता कि नुकसान क्यों हो रहा है

और अजीब वरीब मकासद के लिए अजीब वरीब अंदाज से पढ़ाइयाँ की जाती हैं फैद हासिल करने के बजाय तर्जुमा पढ़ने के बजाय खाली मकासद अपने हासिल करने उल्टे सीधे तरीके से जब वजाइफ पढ़े जाते हैं घर में जमूत आ रही होता है जमूत क्या है हर चीज फंस जाती है तो पहली चीज का असर क्या होगा वो बंदे सारे सुस्त होना शुरू हो जाते हैं घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं घरों में काम पे जाते ही नहीं है तो बरकत कहां से होगी कुछ आएगा ही नहीं तो क्या होगा माली परेशानियां शुरू हो जाती हैं अब फैद आ रहा है ना फसल आ रहा है अल्लाह के अनवार जहाँ आते हैं वह कसाफत नहीं रहती अल्लाह का जाम अल्लाह का तो फजल है वो तो अनवार है ना अब अनवार तो उतर रहे हैं उसको तो उतरना है हमारा ईमान है जो भी आपने कह दिया वो उतरेगा लेकिन अब जब वो गलाजत है गलासत से, से मुराद दिया बहुत ज्यादा पैसे बहुत ज्यादा दौलत जो आपको शैतान बना रही है अब उस अनोार ने आके सफाई करनी है जब वो निकलते हैं तो लोग परेशान होते हैं फिर ढकमकाते हैं फिर वो कहते हैं जी ये क्या करें अब हकीम साहब कुछ और बता दें जिससे मेरी दौलत में इजाफा हो समझ रहे हैं तो भाई फिर क्यों पढ़ा था अपने पास सूर यासीन के बारे में अक्सर कहते हैं अरे भाई वो रूहानी मुतवस्लिन के लिए है रूहानी उसादा के लिए है सूर यासीन का वजीफे करना पंचशूरा के वजीफे करना जिनका ताल्लुक ताल्लुक़रबल्ला है वो दुनियादारी छोड़ चुके होते हैं उनकी दुनिया में कोई तब्दीली हो तो उनको परवाह नहीं होती है वो किनारों में बैठे हुए हैं अपना तज पढ़ रहे हैं अपने कुरान पाक के साथ दिल लगाया हुआ और वजीफों के तौर पर वो यासीन शरीफ और बाकी पंचशूरा में से जो भी पढ़ते हैं पढ़ते हैं उसका मकसद जो है जो तो एनर्जी आए वो अल्लाह की कुर्म में गरक होते जाए होते जाए होते जाए डूबते जाए वो इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं और वो बाकी लोग देखते हैं तो उसको वो गंद के लिए इस्तेमाल करते हैं गंद ही है ना ये गलाजत है दुनियादारी तो क्या होता है उसका काम तो है वो तो काम तो ही जैसे पानी क्या जहाँ पे आएगा गीला तो करेगा जब वो अनवार आते हैं वो बरक़त लेके आते हैं जब बरकत आती है लताफत आती है तो गलादत बार जाती है तो क्या होता है घर से खाना भी जाता है दौलत भी जाती है फिर वो कहते हैं ये क्या होगा इसको रूहानी इस्लाह में कहते हैं रिज्जत होना क्या कहते हैं साइड इफेक्ट रिज्जत होना तो रिज्जत होगी तोड़ना ये अच्छे अच्छों का नहीं आता तो वो जो छोटे मोटे जो आमिल बने हुए थे तो उन्होंने आपको बता तो दिया रोब डालने के लिए ये खासतौर पर जो आंटियां होती हैं ना ये रोब डालने के लिए ये बुक गड़बड़ी गड़बड़ कर वहां पढ़ लिया वहाँ से पढ़ लिया फकीर मोहम्मद की किताब फिरानी की किताब हमारे बुजुर्गों की किताब रोहानी नवाज रूहानी इलाज बड़ी मशहूर किताब है रोहानी डाक है ना वहीं से पढ़ते हैं और हमें भी बता रहे होते हैं <laughs> तो भारत तो वो उसमें से पढ़ते हैं इजाजत का अमल अपने लिए का, उन्होंने कहा हुआ है अपने लिए कर लें वो तो करके वो खुद सब लोगों को शुरू हो जाते हैं कहते हैं वो कुछ नहीं होता किसी और को भी बताएंगे ना किसी और को भी दम करेंगे उस अगर आपको नहीं आता ना कैसे करना है उसके सारे असरात आप पे आते हैं मेरे भाई आपकी रूह और आपका और पिछली गुफ्तग में सुन लेना क्या क्या हमने गुफ्तु की हुई है और रूह को समझने के लिए तो आपको पता लगेगा आपने राधे से उसको हटाया है उसके में से उस बुराई को हटाया उसकी रूह में से या औरा में से दम करके जो भी हटा तो लिया है, उसको उसको घूम तो रहा ठीक है इसलिए गैर जरूरी उल्टी सीधी पढ़ाइयों से दूर रहना चाहिए ना समझ में आए नमाज पढ़िए वक्त पे पुराने पाक पढ़िए तर्जुमे के साथ एक लाइन पड़े दो लाइन पढ़े हमारे फिर वो ने कहा हुआ है एक लाइन पढ़ लें दो लाइन पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़े और पुरसकून हो जाए कि मियाँ इनशाला इसकी बरकत से आपके सारे बाद सारे मामला ठीक करेंगे नमाज पढ़ें नमाज में खूब अच्छे तरीके से दुआ करें जैसे इफ्तार भाई ने भी पूछ रहे थे तजुद पढ़े ना भूख तो क्यों नहीं कर रहे वजायफ पढ़ रहे हैं जो करने का वो करें तज़द पढ़ें मुराकबा करें थोड़ी देर हर फर्ज नमाज से पहले भाई थोड़ी देर बैठ जाए आके बंद करके महसूस करेंगे गुम्बत खजरा से सब्ज़ रोशनी आ रही है आपके दिल में जज्ब हो रही है उसके बाद आप खड़े होकर फर्ज नमाज पढ़ें जरा देखिए कितनी यकसुई होगी आप क्योंकि आपको लगेगा कि वो फ़र्ज जो सैदना हुए सात सामने आपको सिखाया अपनी उम्मत को वो आपको समझ में आया कि उसमें तो यकसुई करनी थी अल्लाह की तरफ रबता रखना था अल्लाह की तरफ रुजू करना था जब आपकी तरफ फैज उतरेगा ठीक है तो आप इनशाला मेरे ख्याल में मेरी बात से आप कुछ मुतमिन हुए होंगे मेरी बात जो मेरे इल में है जो मेरी समझ में है, वो मैंने आपको बता दी अल्लाह में इसको कबूल करें बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया है रोजे की जजा में खुद हूँ इसकी मुख्तर तशरी अगर हो सके तो बयान करो दें जी अभी वैसे तो हम बयान अभी भी कर चुके हैं पिछले में भी बयान कर चुके हैं अल्लाह तबारक वाता ने जब ये कहा रोजा मेरे लिए है और रोजे की जब मैं खुद हूं इसका मतलब इसकी कोई तफसीर की जरूरत नहीं है ना तशरी की जरूरत है सिंपल तर्जुमे की जरूरत है जो हमारी फ़कत के मुताबिक है वो ये बनता है मेरे फैम के मुताबिक अगर रोजा रखने से आपको अल्लाह का कर्ब मिलता है तो आप रोजे से हैं वरना आपने रोजा ही नहीं रखा आप समझ रहे हैं अगर आपने अल्लाह का कर्ब हासिल नहीं किया आपको नहीं मिला तो आप

जब हम भूखे प्यासे रहते हैं हमारा जहन हर वक्त अल्लाह की तरफ जाता है हम नेकी की तरफ हमारा जहन जाता है हम अजकार वाइफ कुरान नमाज करते हैं तो हमारा जहन अल्लाह की तरफ ज्यादा रहता है अल्लाह की तरफ ठीक है तो हमारे अंदर लेवल जो है नवार का बढ़ जाता है शैतानी लेवल कम हो जाता है रहमानी ज्यादा हो जाता है कोई भी देखेगा साहिब निगाह तो कहेगा ये रहमान का बंदा है जब रहमान का बंदा, बंदा होगा तो अल्लाह मियाँ उसके सामने अपना इजहार करते हैं अच्छे ख्याल की शक्ल में अच्छे ख्वाब की शक्ल में अच्छे वाकई की शक्ल में अल्लाह जैसा चाहे ठीक है ना जैसे कल भी बात हुई थी परसों वो की सूरत में वशरात क्या अचानक से कूदा लपकेगा आपको लगेगा वाह अच्छे अच्छे ख्याल आ सकते हैं अल्लाह की कुर्बत का एहसास हो सकता है आपको बहुत शिद्दत से और जैसे मतलब आपके जहन की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी बहुत तेजी से आप सब समझना शुरू कर देंगी थी वर तीवरुफ और आप देख लेते हैं तो ये सब का सब उस जजा के जुमरे में आता है अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि हमने जो रोजे का बुनियादी जश् था हमने वहां कहीं गड़बड़ की है वो है ना कहीं आप अगर भूखे प्यासे रहो और मुंह से मुगल निकालना बंद नहीं करते अल्लाह का जरूरत नहीं आपको भूखा प्यासा रहने की अधी शरीफ है इसका मतलब हमने कुछ ऐसा कुछ किया है जो जिसने हमें रोजे की कैटेगरी से बाहर खड़ा कर दिया और वो क्या है वो तीन चीजें हैं हम नींद कम नहीं कर रहे हम खाना कम नहीं कर रहे हम बोलना कम नहीं कर रहे हम बातें किए जा रहे हैं उल्टी सीधी मुखाल जब आप बोलेंगे किसी ना किसी के खिलाफ जाएंगी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं ये दुनियादारी की बॉक्की चीज़ें करनी चाहिए दुनियादारी रमजान में थोड़ा त्याग कर ले अगर आपको अल्लाह का अल्लाह चाहिए अजर में तो नहीं चाहिए आप जो दिल करें आप करें आपके पास बहुत सारी दलीलें होंगी कह रहे भाई अल्लाह ने सब खाना जायज़ कर दिया अवतार तो है ही इसीलिए खा खा के लोगों का हिस्सा भी खा जाए हैं बराबर में लोग भूखे बैठे हुए हैं और आप खाए जा रहे हैं कि अल्लाह ने आपको अवतार की छूट दी है ऐसा होता है ऐसा अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं हैं क्या पकोड़े और समोसे और अंडे और पता नहीं क्या का खा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है बराबर में बच्चों ने कुछ खाया नहीं खाया है तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह का वो अजर नहीं मिलता है और बिल्कुल नहीं मिलता है। वो बेशक अपने तौर पर वो दलीलें देते रहे ऐसा हो गया तो वैसा हो गया वो सब झूठ बोल रहे थे तसली अपने आप को और तो लोगों के सामने मोतबर बन रहे अगर ये उन्ही लोगों के लिए बातें हैं अगर आपने अल्लाह को महसूस नहीं किया आपको अजर में अल्लाह नहीं मिले तो भाई रोजे की जजा आपको नहीं मिली उसकी कोई दलील नहीं है रोजे की जजा अल्लाह है अगर आपको नहीं मिला इसका मतलब हमारा रोजा गलत था हम कहीं गलती कर रहे थे हमें रिव्यू करना है ठीक है मेरे ख्याल में मैं उसके अलावा मेरी बहन पिछली वीडियोस में तो काइंडली देख लीजिएगा इसमें भी देख लीजिएगा पिछले दो तीन सालों पहले भी जो रूहानी रमजान हुआ था तो उसको भी देख लीजिएगा वो मेरे ख्याल में मेरे के चैनल भाई में पड़ा हुआ होगा काइंडली देख लीजिएगा उसमें और वजह से बयान हुआ, हुआ है इस टाइम पे इससे ज्यादा बोलना मुमकिन नहीं जी सर आज को यहाँ कर ले जी बिल्कुल जैसा जैसा मुझे मुझे अगर कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा काफी लंबी हो गई देर की ज्यादा दे सख्त नहीं है तो इंशाल्लाह शाह कल भी इसी टाइम पे होंगे हम लोग चलो ठीक है बस अल्लाह सबको खुश रखे अल्लाहिया सबको बहुत अच्छा रखे अल्लाह में आप सबकी दिली मुरादें पूरी करें सब लोग मेहनत करें अपने अपने रोज़ों पे नजर रखें कहीं गलती कमी बेशी हो रही है दुरुस्त कर लें इसको अभी भी दुरुस्त कर लें वो तो अल्लाह है ना वो तो आपने एक रोज़ा भी दुरुस्त कर दिया तो क्या पता क्या दे है ना नमाज़ों के ऊपर अपनी दुरुस्त की लाएँ जो की जाए अपने आपके बुजुर्गों की तरफ से औलिया की तरफ से और आपके उलमा की तरफ से जो रात वजाइफ कुछ ना कुछ सबको पता ही होते हैं उसको अच्छे तरीके से अदा करें ताकि आपको यकसुई हासिल हो आपको अल्लाह की एहसास हो और जब अल्लाह की तो आपको एहसास हो तमाम उम्मत के लिए दुआ करें पाकिस्तान के लिए दुआ करें खास तौर पे बहुत ज्यादा मसाइल का ये माजगाह बना हुआ इस टाइम पे फिर अपने दोस्तों के लिए दुआ करें अपने माँ बाप के लिए खसूसी तौर पर दुआ करें चाहे वो जिंदा है चाहे वो यहाँ से गुजर चुके हैं फिर अपने उस्तादों के लिए दुआ करें फिर अपने ऐसे दोस्त साथियों की दुआ करें जिन्होंने आपको ये कुछ बताया उनमें से एक मैं भी हूँ तो मेरे लिए भी खूशी दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझ पर भी अपना रहम फजल फरमाए मेरी कोशिशों को जो भी है ना तमासी, उसको अपने पास कबूल करें मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा आप भी मेरे लिए दुआ करते रहिएगा असल वरमि वबरक